Okay, so we are now looking at a period we fast-forwarded, um, as you can see, many many centuries, and we've come all the way to the 17th century, the 16th and 17th, 17th century. And by this time, enormous changes have occurred in uh, uh, Europe. Uh, the biggest, of course, is ke, uh, Europe ki to shipping, everybody developed ho uh, Dutch East India Company developed, French East India Company developed, and even ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप हो चुकी है सो इंटरनेशनल ट्रेड जो है अब एक ऐसे पैमाने पर एक ऐसे लेवल पर हो रहा है जो कि काफ़ी हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंट है बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और वो जो मर्चेंट क्लास है दैट्स बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल पोलिटिकली एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन वेल्थ यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट दिस इज़ नाउ इन इरा जब वो पुराना फ्यूडल निज़ाम ख़त्म हो गया है और एक कैपिटलिस्ट निज़ाम जो है मज़ीद पैदा होता चला जा रहा है इसमें आपको ये भी पता है कि 1648 के अंदर इंग्लैंड में एक यू नो रिवोल्ट वगैरह भी होता है और 1688 में भी रिवोल्ट होता है सेवनटीन सेंचुरी इज़ ए पीरियडो दैट आर गोइंग ऑन बट इवन बिफोर दैट यू कैन सी फिफ्टी यू नो टीज वग़ैरह के अंदर प्रोटेस्टेंट रिफोमेशन वगैरह बढ़ रही है और फिर कैलविन रिवोल्यूशन है फिर योर हिस्ट्री तो उस इस ये पूरा पीरियड जो है उसके अंदर देर आ साम रियली बिग वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस एट है गोइंग ऑन

We should work for money, there's nothing wrong in working for money. Because Catholic religion, ke under, money is the root of all evil. And land is not the root of all evil, but money is the root of all evil. But here now you see that the attitude towards money is undergoing a very dramatic transformation. And underpinning it, of course, is the fact that trade is very important. So, this period, geo economic doctrines develop, orti, is considered to be kind of like the beginning of econ of modern economics. In the sense that uh, jo exchange. मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं या मार्केट्स की बात करते हैं उसकी जो थेरीज हैं वो डेवलप होनी शुरू होती हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरीज दिस टाइम इज द स्टार्ट ऑफ एज अ थियोरी यू कुड आर्ग्यू दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट यू नो स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक थॉट मेनी पीपल इंट्रोड्यूस इट इन दैट पर्टिकुलर वे मर्केंटलिजिजम बड़ी सिंपल सी डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और यू कॉन्ट रियली इवन कॉल इट अ वेरी यूनिफाइड स्कूल ऑफ थॉट बट इज अ अर्टन एटीट्यूड दैट डिवेल्प्स विद इंटरनेशनल ट्रेड

दुनिया के अंदर जो इकोनॉमी थी वो लोग गोल्ड और सिल्वर में चेंज ट्रेड किया करते थे इंटरनेशनली तो यू uh, नो you know, um, इस वजह से कोशिश ये होती थी कि जिस कंट्री के पास ज़्यादा बड़े गोल्ड रिज़र्व्स हैं इसका मतलब है कि उसके पास इतने पैसे हैं कि अगर वो कभी भी चाहे तो वो बड़े पैमाने पर चीज़ें खरीद सकती है सिल्वर के रिज़र्व हैं गोल्ड के रिज़र्व हैं सो दैट्स वाई दे वॉन्ट टू स्टॉक अप गोल्ड बिकॉज दे सॉ इट एज अ साइन कि योर कंट्री इज़ डूइंग वेल ये ऐसी ही बात है आप सोच सकते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं Uh, कहीं पे तजारत कर रहे हैं कोई काम कर रहे हैं यू नो योर यो वर्किंग समवेयर और आप कोशिश करते हैं कि आपकी सेविंग्स बढ़ती चली जाएँ बढ़ती चली जाएँ आपके पास पैसे ज़्यादा होने चाहिए बैंक अकाउंट के अंदर ऐसे आप कोशिश करते हैं ना कि सेविंग्स बढ़ें तो बेसिकली यही एटीट्यूड जो कि एक इंडिविजुअल uh, बंदे का हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू अक्यूमुलेशन यही एटीट्यूड मुल्कों का भी था और बहुत सारे लोगों का भी था कि भाई वी मस्ट एक्यूमलेट आर स्टॉक सो दैट वुड ऑब्वियसली अक्यूमुलेट विद अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें और इम्पोर्ट आप कम से कम करें इम्पोर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि इसको या टू पुट इट वेरी सिंपली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेचें और कम अज़ कम चीज़ें खरीदें ज़्यादा चीज़ें ना ख़रीदें ठीक है अभी पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ट्रेड बैलेंस का बड़ा ही बुरा हाल है और कई सालों से इनफैक्ट पहले इतना बुरा हाल नहीं होता था आगे पीछे ज़ीरो के घूमता रहता था मगर फिर 2003 से पाकिस्तान का ट्रेड बैलेंस जो है एकदम से इस तरह डिक्लाइन करता गया वाई टू थाउजेंड एंड थ्री वॉर ऑन टेर फाइनेंशलाइजेशन ऑफ द इकानमी वेरियस अदर थिंगस विध रिस्पेक्ट टू सर्टन लॉज रियल इस्टेट एक्सेट्रा जिसकी वजह से okay. मुशर्रफ की अपनी स्पेंडिंग वगैरह जो भी आर्मी है वो वगैरह वगैरह देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स बट एनी वे उससे जो ट्रेड बैलेंस है वो खराब होता चला गया ट्रेड बैलेंस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतना खराब है कि हम तकरीबन थर्टी नाइन कह लो चलो मोटा मोटा राउंड ऑफ करके कह लो फोटी बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स कर लेते हैं और जो हमारी इम्पोर्ट्स हैं वो है 82 बिलियन डॉलर्स की 42 टू एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट्स और 82 बिलियन डॉलर इम्पोर्ट्स या हमारी यानी कि हमारी इम्पोर्ट्स आर मोर देन ट्वाइस ऑफ व्हाट वी एक्सपोर्ट वो हम थोड़े से लकी इस सेंस में हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो बाहर काम करते हैं फॉरन कंट्रीज़ के अंदर वो अपने बुढ़े माँ बाप के लिए पैसे भेजते हैं को बहन की शादी के लिए पैसे भेज देता है कोई मकान ठीक करने के लिए पैसे भेज रहा होता है जिनको हम कहते हैं रिमिटेंसेस जो बाहर से लोग पैसे कमाते हैं वो पाकिस्तान वापस अपनी फैमिलीज़ को बहुत बड़े पैमाने पर ये पैसे भेजते हैं और ये पैसे भी कमो बेश मिल मिला के कोई थर्टी बिलिय डॉलर की अर्दियत हो जाते हैं काफ़ी सारे पैसे इलीगली भी आ रहे होते हैं मगर लीगली जो है ना ट्वेंटी नाइन थर्टी बिलियन डॉलर्स के हो जाते हैं अब ये दोनों जब रकमें आप एडाप्ट करते हैं यानी कि जो तकरीबन फोटी बिलियन डॉलर्स आपने वहाँ कमा लिए थर्टी बिलियन डॉलर्स यहाँ कमा ली तो ये कुछ सेवेंटी बिलियन डॉलर्स के करीब आपका मुल्क जो है वो ये पैसे कमा लेता है ये स्टेट बैंक के पास आ रहे पैसे क्योंकि उन्होंने ही आगे डॉलर्स डौ, को रुपीज़ में कन्वर्ट करके देना है ठीक है वो डॉलर तो नहीं पकड़ा रहे वो तो रुपये पकड़ा रहे हैं ना लोगों को तो डॉलर उनको आते हैं वो इधर से रुपए में कन्वर्ट करते हैं और आपको दे देते हैं तो ये सत्तर बिलियन डॉलर उनके पास आता है मगर जाता कितना है उनसे एटी बिलियन डॉलर्स इसका मतलब है तकरीबन बारह बिलियन डॉलर्स जो है ना वो, वो उसका खसारा हमें पड़ता है ठीक है डेफिसिट हमें पड़ता है तो वो बारह बिलियन डॉलर फिर कहाँ से आते हैं वो फिर हम आई से एक लोन आई से नगोसिएट करते हैं वो दो तीन बिलियन डॉलर हमें दे देते हैं मगर मोर इंपॉर्टेंटली वो हम पे कुछ शराइ वगैरह लगा देते हैं जिसके बारे में वो ये कहते हैं कि इससे मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और उसके बाद वो ठप्पा दे देते हैं कि ये मुल्क जो है ना ये इट इज़ कम्प्लाइंग विद आई एम एफ़ रेगुलेशन एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड गुड पॉलिसीज एक्सेट्रा तो इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स इन डॉलर्स इट कैन ऑलसो अकर् इन यूरो मार्क में भी हो जाता है अब ब्रिक्स वाले जो है वो कह रहे हैं हमने नॉन डॉलर इकोनॉमी में करना है बट मेनली अराउंड 60 परसेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एटलीस्ट अकर्स इन डॉर्स ऑयल वगैरह जो है वो डॉलर्स में ही होता है अब ब्रिक्स में Uh, दुबई से अगर आप एक चीज़ ले रहे हैं और आप ये कहते हैं कि ये लो भाई जान पाकिस्तानी रुपी तो वो लेगा बंदा वो नहीं लेगा मगर आप उसे अगर ये कहेंगे कि ये लो डॉलर तो वो कहेगा हाँ ठीक है डॉलर मैं ले लूँगा ठीक है आपने ट्रैवल भी किया होगा आपको पता ही होगा सो यू हैव टू पे फॉर दोज थिंग्स इन डॉलर्स यू कॉन्ट पे फॉर दैम इन रुपीज़ सो यू हैव टू अर्न दोज डॉलर्स फ्रॉम सम प्लेस अगर अगर आप अर्न नहीं कर सकते तो देन यू हैव टू बोरो दोज डॉलर्स तो सबसे पहले आप जाते हैं कि इसके पास आईएमएफ के पास आईएमएफ जो है आपको एक छोटा लोन दे देता है जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई नहीं होता मगर उसके उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि आईएमएफ कहता है कि ये जो कंट्री है ये अच्छी साउंड माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज इनकी हैं उसके बाद और बहुत सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है उसके अंदर दूसरे मुल्क भी हैं जो कहते हैं कि हाँ यार आईएमएफ से अंडरस्टैंडिंग इनकी है और ये पॉलिसी इस पर इम्प्लीमेंट करें तो अगर इनको हम कर्ज़ा देंगे तो ये वापस हमें पैसे दे देंगे तो वो कर्ज़ा देने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमर्शल बैंक्स भी शामिल हैं सो so, पाकिस्तान की हकूमत जो है वो बड़े बड़े जो बैन अवी कमर्शल बैंक्स हैं जो बिग कमर्शल बैंक्स हैं दुनिया के उनके पास भी जाती है जिस तरह कोई कैपिटलिस्ट जो है वो एक बैंक के पास जाता है और कहता है मुझे कर्ज़ा दे दो इस तरह मुल्क भी जो है वो भी बैंक्स के पास जाते हैं और कहते हैं इस मुल्क को कर्ज़ा दे दो तो। सो दीज लोन्स आर ऑल्सो फ्राम कमर्शल बैंक ऑफकोर्स कमर्शियल बैंक से जब आप लोन लेते हैं तो आपको कमर्शियल इंटरेस्ट रेट भी उस पर पे, पे करना होता है सो so इस तरह करके हम फिर जो अपना डेफिसिट है बारह बिलियन डॉलर का उसको पूरा करते हैं तो इस वजह से जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी फिर बनती है वो बेसिकली आई एम एफ बना के हमें भेजता है क्यों बना के भेजता है क्योंकि हम डेफिसिट हमारा डेफिसिट होता है हर साल दो हज़ार तीन से आगे हम डेफिसिट में रहें हमेशा और हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं और फिर हमें कर्ज़ा लेना पड़ता है और कर्जे की शराय होती है कि ये ये चीज़ें आपने करनी है तो इस तरह से हम मोरोलेस जो आई एम एफ़ इकनॉमिक पॉलिसी बनाता है उसी को फॉलो करते हैं इस वक्त हमारा लोन चढ़ गया वन हंड्रेड बिलियन डॉलर्स का हमारा लोन है और हमारे डोमेस्टिक डेट भी है सिक्सटी ऑफ़ द गवर्नमेंट डेट इज़ डोमेस्टिक डेट वो पाकिस्तानी बैंक्स को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोगों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अदा करनी है जब आप बॉन्ड लेते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड लेते हैं तो वो फिर एक तरह की डेट है जो आपने पैसे गवर्नमेंट को लोन किए गवर्नमेंट ने उस पर इंटरेस्ट पे करके आपको वापस जो है पैसे देने हैं और बैंक्स जो हैं वो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह ख़रीद लेते हैं जिसका अगेन मतलब ये कि बैंक जो है एक तरह से गवर्नमेंट को लोन दे रहा है वो भी गवर्नमेंट ने पे बैक करना है और ये जो हमारे टोटल लोन्स हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दीज आर नाइन्टी परसेंट ऑफ आर जीडीपी जो लेवल है हमारे लोन्स का इज नाइन्टी ऑफ़ आर जी और एक्चुअली दे शुड बी बिलो 60% ऑफ आर जीडीपी। इन पी हेल्दी अल्दी दे शुड बी बिलो 60% ऑफ आर जीडीपी, बट दे आर वेरी वेरी हाई जी सॉरी एक और बात इस यही वजह है कि जब हम बजट बनाते हैं हर साल जो हमारा बजट होता है जो नेशनल असम्बली में पास होता है उसमें फिफ्टी ऑफ द बजट इज जस्ट लोन रिपेमेंट और बाकी 45 परसेंट जो है उसके ऊपर सारा झगड़ा होता है उसमें से भी तकरीबन 20 फीसद जो है वो पहले ही फौज कहती है पाईजान इसको नहीं हाथ लगाना ठीक है ना। उनको नहीं इससे बात से फ़र्क पड़ता एज़ लॉन्ग एज आप उन्होंने जो जिन शराइ पर आपको वो कर्जा दिया है उन शराइत को आप पूरा कर लें तो बाकी आपके मुल्क में क्या होता है क्या नहीं होता दे डोंट रियली केयर टू मच अबाउट दैट आई एम टेलिंग यू दि ऑनस्ट ट्रूथ ऑल दो ऑफकोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा ये कहते हैं वी नो दैट पाकिस्तान हैज़ गॉन थ्रू सेवर फ्रेंड्स और वी चाहते हम चाहते हैं कि पॉवर्टी एलिविएशन हो ठीक है मगर एक्चुअली उनका एक बड़ा कट एंड ड्राइड फार्मूला है इस चीज़ में जो मैं कई लेक्चर्स में बता भी चुका हूँ ऑनलाइन भी मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं बड़ा उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फॉर्मूला है और फार्मूला उनका यह है कि जो आपका इंटरनेशनल डेफिसिट है और जो आपका गवर्नमेंट डेफिसिट है ये दो बड़े डेफिसिट होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड डेफिसिट ये है जो हम डिस्कस करने लगे हैं आज ठीक है जो वैन यू इम्पोर्ट मोर देन यू एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट डेफिसिट ये होता है कि आपकी टैक्स रेवेन्यू कम है आपकी गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम है और गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं ये दो जो बेसिकली डेफिसिट्स हैं ना ट्विन डेफिसिट्स इनको हम कहते हैं वो कहते हैं इनको ख़त्म करो इनको किस तरह कंट्रोल करो तो गवर्नमेंट के हवाले से ये कहते हैं कि जी सब्सिडीज़ देना बंद करो और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाओ और खर्चे कम करो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाओ ठीक है तो इस तरह ऑब्वियसली बजट बैलेंस हो जाएगा ज़्यादा पैसे अंदर आएंगे कम पैसे बाहर जाएंगे तो बजट बैलेंस होगा नंबर एक साउंड लाइक पड़ी साउंड इकोनॉमिक्स राइट और दूसरी तरफ वो इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से ये कहते हैं कि रेगुलेशन uh, ना करो डब्ल्यू टी ओ ने जिस तरह कहा हुआ है कि टैरिफ्स वगैरह कम कर दो कोई भी रेगुलेशन ना लगाओ इंटरनेशनल ट्रेड पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करो और उसको रेगुलेट करने का तरीका ये कि डॉलर जो है उसको छोड़ दो वो खुद ऊपर चला जाएगा जब वो मार्केट उसको ऊपर लेके जाएगी डॉलर को तो उसके नतीजे में जो आप कमोडिटीज़ बेच रहे हैं वो सस्ती हो जाएंगी और जो आप कमोडिटीज़ खरीद रहे हैं इंपोर्ट्स कर रहे हैं वो महंगी हो जाएंगी ठीक है क्योंकि जब डॉलर जो है वो ऊपर जाएगा तो जो बाहर वाला बंदा है वो पाकिस्तानी चीज़ सस्ती खरीद सकेगा क्योंकि उसके पास डॉलर है डॉलर जब रुपीज़ में कन्वर्ट होंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ठीक है वो जो पहले सौ डॉलर थे जब डॉलर और चढ़ेगा तो वो सौ डॉलर से पहले अगर वो कितने हो गए तीस हज़ार रुपया ख़रीद सकता था तो अब वो चालीस हज़ार रुपये ख़रीद लेगा ठीक है तो वो और ज़्यादा और, और ज़्यादा अमीर हो गया इन पाकिस्तानी टर्म्स वो ज़्यादा खरीद सकता है बाहर वाला बंदा और आप एक तरह से आपकी जो चीज़ है वो सस्ती हो गई है सो so, तमाम कमोडिटीज़ पे ये चल जा, लग जाता है अक्रॉस द बोर्ड ये हो जाता है खुद ही हो जाता है ऑटोमेटिकली जब डॉलर चढ़ जाता है ऑल इम्पोर्ट्स राइज इन द प्राइस क्योंकि वो सारे आपने डॉलर्स में खरीदने और जब और ऑल एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर तो ये दैट इज़ इन थियोरी वॉट सपोज टू हैपन तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि ये रीबैलेंस हो जाएगी मार्केट मार्केट क्लियर हो जाएगी सप्लाई एंड डिमांड फॉर डॉलर्स डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाएंगे तो इसकी वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी डॉलर चढ़ जाएगा तो इम्पोर्ट्स आने खुद ही कम हो जाएंगे मगर इस थियोरी में कुछ बड़े बड़े मसाइल भी हैं सबसे बड़ा मसला तो ये कि जो कंट्रीज़ होती हैं हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट जिस तरह हमारी कंट्री क्योंकि पच्चीस फीसद हमें तो तेल मंगाना है और ख़ुद हम तो कुछ बनाते नहीं हैं हम खुद बहुत कम चीज़ें बनाते हैं जो चीज़ें हम बनाते हैं वो बड़ी लो क्वालिटी चीज़ें हैं और ज़्यादातर चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं क्योंकि हम बहुत सेल्फ सफिशेंट नहीं है एज अ कंट्री ठीक है तो अगर हमें इम्पोर्ट ना करें हमारे पास कंप्यूटर्स भी ना हो हमारे पास फ़ोन्स भी ना हो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ना हो गाड़ियाँ भी यहाँ असम्बली होती हैं खुद से नहीं बनती हमारे पास मतलब बेतहाशा ऐसी चीज़ें जो हमारे पास ना हो आप खुद ही देख लेना कि आप अपनी ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से कितनी चीज़ें इम्पोर्टेड हैं और कितनी चीज़ें मेड इन पाकिस्तान हैं आप देखेंगे कि जो तो आ, आम सी चीज़ें हैं कपड़े टाइप हैं वो तो ठीक है मेड इन पाकिस्तान होंगे मगर जो भी आपके पास चीज़ होगी जो थोड़ी हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ होगी वो इम्पोर्टेड ही होगी कैमरा हो कोई और चीज़ हो टेलीफोन हो वगैरह वो इम्पोर्टेड होगी सो जी हाँ अब तो हम कॉटन भी इम्पोर्ट करते हैं तो खैर एनी सो होता ये है कि जब डॉलर बढ़ जाता है तो उससे हमें एक सप्लाई शॉक लगता है सप्लाई शॉक का मतलब ये है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें एकदम से इजाफा हो जाता है क्योंकि तेल महंगा हो जाता है गैस महंगी हो जाती है फ्यूल महंगा हो जाता है पेट्रोल महंगा हो जाता है बिजली महंगी हो जाती है अब रोको मुझे वरना मैं नारा लगाना शुरू कर दूँगा ये सारी चीज़ें जो है ना वो महंगी हो जाती हैं तो जब वो महंगी हो जाती हैं तो हर चीज़ की कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन बढ़ जाती है पाकिस्तान के अंदर उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर पैदा होता है इन्फ्लेशन की तीन वजूहत होती हैं आप जानते होंगे पहली वजह होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अगर आपकी तो कॉस्ट बढ़, बढ़ जाए तो सारी कीमतें बढ़ जाएंगी इन्फ्लेशन होगी दूसरी वजह होती है डिमांड दूसरी कॉज होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब सप्लाई ऑफ मनी मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उससे भी प्राइसिस बढ़ जाती है तीसरी कॉज होती है एक्सपेक्टेशंस अगर ऐसी हों तो एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ सकती हैं गिर भी सकती है सो so, ये तीन मेन कॉजेज़ होती हैं इन्फ्लेशन की ठीक है तो पाकिस्तान के अंदर क्या इन्फ्लेशन हो रही है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रही है क्यों हो रही है क्योंकि डॉलर बढ़ गया है डॉलर बढ़ गया तो ते, सारी तेल की कीमतें पेट्रोल डीजल ये वो बढ़ गया है। और क्योंकि अब हम फर्नेस ऑयल और कोल और इस तरह की इंपोर्टेड चीज़ों से एल वगैरह से बिजली बनाते हैं तो बिजली भी महंगी होगी जब वो टैरिफ्स लगाते हैं वो तमाम कमोडिटीज़ पर नहीं लगा रहे थे वो लग्जरी गुड्स पर लगा रहे थे दे हैड ए लिस्ट ऑफ अबाउट टू हंड्रेड कमोडिटीज़ जिनपे उन्होंने टैरिफ्स लगाए थे तो वो कैसकेडेड टेरफ़ हैं यानी कि वो कुछ कमोडिटीज़ पे ज़्यादा टैरिफ्स हैं कुछ कमोडिटीज़ पे कम है कुछ कमोडिटीज़ पे बिल्कुल नहीं है तो एवरेज टैरिफ जो वे एवरेज वेटेड टैरिफ जो आपका फिर भी बनता है वो इतना हाई नहीं बनता ठीक है एवरेज वेटेड टैरिफ का मतलब ये है कि जिस कमोडिटी को जितना आपने इम्पोर्ट किया उतना उसका वेट असाइन करें आप फिर उस पर देखें टैरिफ आपने कितना लगाया तो इस आपको एक एवरेज वेटेड टैरिफ मिलता है कि एक्चुअल आपका एवरेज वेटेड टैरिफ क्या है यू डोट जैसे एड अप ऑल द टेर जैसे उसकी एवरेज निकाल लो इट्स नॉट वेटेड अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ ट्रेड सो आप एवरेज वेटेड टेरव निकालते हैं तो इतना ज्यादा फिर भी नहीं बनता वो क्योंकि टू हंड्रेड कमाडिटीज पे है मेन कमोडिटीज बड़ी वाली ऑयल वगैरह वा इस तरह की चीजें उसी तरह से आ रही है और जा रही हैं और सब कुछ हो रहा है सो दैट्स वाई आई एम से इट्स नॉट सो सिंपलट इट इन अ मोर डिटेल्स अ वे कि ये नहीं डब्ल्यू टी ओ कह रहा है कि आप किसी किस्म का कोई टेरिव कभी नहीं लगा सकते बट येस यू हैव टू

तमाम मुल्क म्यूचुअली अपने टैरिस रिड्यूस करें जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े ठीक है तो ओवरऑल उनका एम्फोसिस यही होता है कि वो ये चाहते हैं कि म्यूचुअली आप टैरिस रिड्यूस करें ताकि ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव और आई भी और इसी ऑब्जेक्टिव uh, को हिट करना चाहता है कि ओवरऑल दुनिया के अंदर वॉलीम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े बिकॉज वो फील करते हैं कि जब वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा तो उससे खुद ब खुद प्रॉस्पेरिटी क्रिएट होगी मार्केट्स विल एडजस्ट कम टू एन ऑप्टिमम सॉर्ट ऑफ यू नो इक्ब्रियम और उसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और जब प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो फिर पॉवर्टी भी कम होगी और सारे मसले और हल होंगे तो इसलिए आईएमएफ वाले लोग ये कहते हैं कि हाँ ये कड़वी गोली आपको लेनी पड़ेगी अभी ऑस्टेरिटी की और ये डॉलर चढ़ रहा है जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर पैदा हो रहा है और गैस के बिल और बिजली के बिल और ये सारे बिल चढ़े हैं और ये आपको अभी कड़वी गोली खानी पड़ेगी मगर उसके बाद यू नो ट्रेड मैंने रिकवर्स एक्सेट्रा तो उसकी वजह से को हो जाएगा उसकी वजह से इकॉनमी विल डू सम स्मूथ सेलिंग and many of the doctrines that underpin why inter or how international trade can help in the development of the wealth uh, of a particular country, you see, go back all the way here and uh, have been around for a very long time, for hundreds of years in fact. Uh, and you can see that they go back to this particular mercantilist period. now, so anyway, yes, this idea comes from a long time ago, from the period of mercantilism. that trade will, uh, you know, improve. Uh, uh, societies and lead to wealth. Huh? I find it necessary to point out to you that I am one of those people who does not believe this argument is correct. I believe that there are lots and lots of big flaws in this argument, and uh, I am not a free marketeer, etc., or somebody who follows the Washington consensus. In fact, I am standing on the opposite side of the uh, spectrum on this economic debate. बट एज योर टीचर आई फाइंड इट इट्स इट माई ड्यूटी टू टीच यू कि वो क्या क्या रहे हैं। ठीक है अच्छा जी आगे चलते हैं सो so, ये उन्होंने किताब लिखी थॉमस मन ने इंग्स ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड और द बैलेंस ऑफ आर फॉरेन ट्रेड इज़ द रूल ऑफ आर ट्रेजर आप देख सकते हैं कितनी यार गलत बुरी स्पेलिंग है इस बंदे की हैं एंड वो स्कूल पर जो कि कर <laughs> मगर uh, उसकी वजह यही है कि जैसे मैं आपको कह चुका हूँ कि ये पुराने ज़माने में लिखी हुई किताब है और उस ज़माने में लोग जो हैं वो कोई उनकी स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होती थी और उनकी स्पेलिंग्स स्टैंडर्डाइज भी नहीं होती थी ये बात नहीं सोफिस्टिकेटेड उस पीरियड के लिए ऑब्बियसली अदरवाइज नॉट नेसेसरली सो सोफिस्टिकेटेड उस पीरियड के लिए मगर डोंट बी फूल बाय द फैक्ट दैट ही गेट्स हिज गेट्सिंग रॉन्ग बिकॉज उस ज़माने में स्पेलिंग करते ही इस तरह थे तो इसलिए उसकी गलती नहीं सो एनी वे ई एम वॉज अ वेल्दी मर्चेंट एंड ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है ना जो आपको पता ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो हमारी बड़ी आ, क्या कहना चाहिए लव स्टोरी है यू नो इंडिया में जो उन्होंने आके किया तो हम तो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको पता ही होगा सो एनी वन ऑफ द मोस्ट स्पेस्टिविक वर्क फॉर्मिंग मर्क पॉलिसीज एक्सेट्रा ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी एक्टिविटीज कुछ लोगों को कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए लगती थी बिकॉज वो बाहर से जाके चीज़ें बहुत खरीदते थे और जब वो चीज़ें ख़रीदते थे तो उसके नतीजे में गोल्ड और सिल्वर से ऑब्वियसली वो चीज़ें खरीदते थे तो लोग उनको क्रिटिसाइज़ भी करते थे कि जी आप तो सारा हमारा मुल्क का गोल्ड और सिल्वर दूसरे लोगों को दे ही जा रहे हैं दे ही जा रहे हैं चीज़ें खरीदे जा रहे हैं तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है तो ये तो बड़ी बुरी पॉलिसी है तो अब आप देखेंगे कि उस पीरियड के अंदर यही समझा जाता था कि वेल्थ जो है जिसकी वो बात कर रहा है ट्रेजर उसको वो कह रहा है ट्रेजर से मतलब वो वाला ट्रेजर नहीं है जो आई य मेटीज वाला ट्रेजर होता है जो uh, क्या कहना चाहिए यू नो पायरेट्स टाइप वाला ट्रेजर की बात नहीं वो कर रहा उससे उसकी मुराद वेल्थ ऑफ अ नेशन ही है इसीलिए आप देखें बाद में ट्रेजर को वेल्थ बना दिया गया और उस पर किताब भी पूरी लिखी एडम स्मिथ की किताब का टाइटल भी वेल्थ ऑफ द नेशन ही है सो दैट्स व्हाट ही मींस बाय ट्रेजर बेसिकली व्हाट ही मींस इज के द वेल्थ ऑफ़ दैट सोसाइटी वो कैसे डेवलप होगी बाई फॉरन ट्रेड सो दैट्स दिस इज अबाउट तो उसमें वो ये कहता है कि उसमें द आर्गूमेंट इज कन्फ्रंटिंग इज़ दिस वन कि लोग उसे कह रहे हैं कि भई वेल्थ ऑफ़ द नेशन तो तभी ग्रो करेगी जब आपके पास गोल्ड ग्रो करेगा ज्यादा गोल्ड होगा तो इसका मतलब है वो सोसाइटी ज़्यादा वेल्दी है तो वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ये आपका गलत कॉन्सेप्ट है कि वही सोसाइटी ज़्यादा वेल्दी है जिसके पास बहुत बड़े पायल्स ऑफ गोल्ड हैं हो सकता है आपके पास बहुत बड़े बड़े पायल्स ऑफ गोल्ड हैं मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप एक वेल्दी सोसाइटी है क्यों ये कैसे हो सकता है आओ देखते हैं तो पहले तो वो ये कहते हैं द मीन्स टू इनरिच दिस किंगडम एंड टू इंक्रीज अर ट्रेजर इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही मच लाइक द ट्रेड ट्रेड इज द बेस्ट मीन्स टू इंक्रीज आर वेल्थ वो कह रहा है ठीक है आप जंगे जुंगे कर लें और ये सब कुछ कर लें पायरेसी कर लें मगर ये सब चीजों इन सब चीजों से बेहतर जो है वो ये है कि आप तजारत करें वी शुड एक्सपोर्ट अर सरप्लस जो चीज़ें आप बनाते हैं जो जायद पैदावार है वो बाहर जाके लोगों को बेचें एंड वी शुड इंक्रीस आर एक्सपोर्ट्स अगर एक्सपोर्ट्स सरप्लस जो है वो उनको एक्सपोर्ट करें और उसको बढ़ाएं तो इससे आप पैसे ज़्यादा कमाएंगे इससे आपकी ओवरऑल वेल्थ ज़्यादा बढ़ेगी कोई कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट नहीं है मगर अगर आपने उसकी रीडिंग करी हो तो आपको समझ ही नहीं आ रही क्या कह रहा है बाबा मगर इतनी सी बात उसने की ठीक है वो कहता है मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने का क्या तरीका है अब आप बड़े गौर से सुन रहे होंगे क्योंकि आप ये कहेंगे कि सर ये तो पाकिस्तान की ज़रूरत है yeah. शुक्र है थॉमस मन साहब आप आए हैं ताकि हमें भी बताएं कि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करने का क्या तरीका है पहले तो वो कहते हैं यूज वेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रिवेंट द इम्पोर्टेशन ऑफ हेम फ्लैंग टबैको एंड एंड अदर थिंग्स विच नाउ विच फैच वी फैच फ्राम स्ट्रेंजर्स टू आर ग्रेट इमपराइजिंग एम्पवरिशिंग सॉरी तो यानी कि पहले तो ये कह रहा है कि जो वेस्ट लैंड है उसको इस्तेमाल करें जो ज़मीन है एग्रीकल्चर लैंड जो इस्तेमाल नहीं हो रही उसमें अगर, उसमें कुछ कुछ ना कुछ ग्रो करें मगर वो ये जरूर कहता है कि इट शुड नॉट बी एट एक्सपेंस ऑफ मैन्युफैक्चर मगर जो जो ज़मीन इस्तेमाल नहीं हो रही उसको इस्तेमाल करें उसमें ये चीज़ें ग्रो करें और जब आप ग्रो करें करेंगे तो बजाय इसके कि जो स्ट्रेंजर्स से यानी फॉरेनर्स से यानी दूसरे मुल्कों से आप चीज़ें ले रहे हैं वो आप ख़ुद ग्रो कर लेंगे तो फिर और बेहतर होगा बल्कि उनको आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए ठीक है तो बजाय इसके कि बाहर से वो चीज़ें आप लें कॉटन और टबैको और टेलीफोन गाड़ी कंप्यूटर ये खुद बनाना सीखें ओ नहीं वो तो पुरानी चीजें की बात कर करें बहरह वो कहता है ये खुद बनाना आप सीखें और बल्कि इतनी बनाएं कि आप बाहर लोगों को बेचें सोबली रिफ्रेंड फ्राम एक्सेसिव कंजम्पन ऑफ फॉरन वेयर इन आर डाइट एंड रेमेंट बट डू नॉट इम्पोज इम्पोर्ट ड्यूटीज तो ये कह रहा है कि भाई बाहर वाली चीज़ें ना ख़रीदा करो पकिस्तानी, भाई पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी वो कह रहा है बेसिकली कह रहा है हम नहीं चाहते कि वो इंपोर्ट्स पे जो है ना कोई ड्यूटियाँ शूटियां लगा के उसको बंद किया जाए या कोई टैक्स लगा के या कोई टैरिफ वगैरह लगा के इंपोर्ट्स को बंद किया जाए वो आए बेशक मगर आपने ख़रीदनी नहीं, नहीं है क्यों क्योंकि इस तरह से फिर बाहर जो दूसरे मुल्क के लोग हैं वो ऑफेंड भी नहीं होंगे क्योंकि हुकूमत तो कहेगी आए जी आप बेच सकते हैं तो बेच लें और आपके लोग खरीदेंगे भी नहीं अब शब्बर जैदी साहब को कभी आपने जियो टी वी पर सुना हो अगर तो वो भी ये कहते हैं कि भाई भी पाकिस्तानी पाकिस्तानी आप क्यों खरीदते हैं इम्पोर्टेड चीज़ें आप सौराब साइकिल पर जाएँ और जो भी है वो वगैरह वगैरह ठीक है वो भी ये कहते हैं बट इन फैक्ट अगर आपके टेस्ट वगैरह और प्रेफ्रेंसेस चेंज हो जाए फैशन चेंज हो जाए सोसाइटी के अंदर तब तो इट बिकम्स पॉसिबल दैट यू डोंट बाई फॉरन थिंग्स एक दफा फैशनेबल हो जाए फ़ॉरन थिंग फिर तो बड़ा मुश्किल होता है उसको चेंज करना बट इन फैक्ट देखा यह है कि अगर फ़ॉर चीज़ें हैं बेहतर क्वालिटी में और आप शेल्फ़ पे पाकिस्तानी चॉकलेट रख दें और फॉरन चॉकलेट रख दें तो लोग फ़ॉरन वाली चॉकलेट लेंगे पाकिस्तानी वाली नहीं लेंगे ठीक है ना तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट वंस द थिंग कम्स इंटू योर कंट्री इन इज़ ऑन द शेल्फ पीपल विल गो फॉर द चीपर एंड बेटर क्वालिटी थिंग राधर दैन लुक किसने बनाई है वो डजन मैटर टू दैम कि ये चाइना ने बनाई है डजन मैटर टू दैम कि ये पाकिस्तानी है डजन मैटर टू दैम कि ये, तो ये इसराइली ने बनाई है कौन से आपने में से कितने लोग जो है चेक करते हैं कि अच्छा यार ये किसने बनाइ है मैं दैट द लीस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग डेट यू लुक एट कि यह कहाँ बनी हुई आप सबसे पहले ये देखते हैं कि चीज़ क्या है जो आपने ख़रीदनी है ठीक है न सो एनी वे बटी थी फिर वो कहता है कंसिडर आर नेबर्स नेसेसिटीज़ यानी कि आपको उनकी मार्केट को समझना होगा समझना होगा कि उनकी ज़रूरिया क्या हैं वो क्या चीज़ें चाहते हैं मिसाल तौर तो पर वो कहता है समटाइम्स इट बेनिफिट्स आस कहता है अगर आपको अपने माल के लिए अच्छे अच्छा दाम मिल रहा है अच्छा सौदा मिल रहा है तो बेचे बेशक बेचें और महंगा बेचें मगर कभी कभार आपको ये भी करना पड़ता है कि आपको सस्ता बेचना पड़ता है ताकि कॉम्पटिशन जो है वो ख़त्म हो जाए आप जानबूझ के थोड़ी देर के लिए सस्ता बेचते हैं साल के लिए आप चीजें सस्ती बेचते हैं उसके बाद जो ऑल्टरनेटिव होता है कंपटीशन वो खत्म हो जाता है जब कंपटीशन खत्म हो जाता है फिर आप अपनी टीम तहिस्ता आहिस्ता के पूरी मार्केट को कॉर्नर भी कर सकते हैं है ना मजेदार किस्म की एडवाइस अच्छा फिर वो कहता है यूज योर ओन शिप्स कहता है दूसरों के समंदरी जहाजों को नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि इस तरह जो जो समुद्री जहाज है उसके जो कैप्टन हैं उसके जो क्रू है वगैरह वगैरह वो खुद भी पैसे कमाएंगे और एक और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और आपके यू नो इट्स यू हैव कंट्रोल ओवर दैट ट्रेड राधन समी एज हैविंग कंट्रोल ओवर दैट ट्रेड और आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर था ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर थी तो उन्होंने एक लॉ बनाया हुआ था कि जो इंडिया से ट्रेड होगा वो ब्रिटिश शिप्स पे होगा और और किसी शिप पे नहीं होगा तो उन्होंने ये थी लिया शिप्स पे। तो इसने कहा यूज़ योर ओन शिप्स यूज योर ओन नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट तो कह रहा है कि इससे बेहतर है कि आप बाहर से कॉटन मंगवा के कुछ शर्ट बनाएं इससे बेहतर है कि आप अपनी कॉटन ग्रो करें और उससे शर्ट बनाएँ क्योंकि जारी बात है फिर आप कॉटन जो ग्रो कर रहे हैं वो भी पैसे आप कमाएंगे फिर उस चीज से आप शर्ट बना रहे हैं वो बाहर जाके बेच रहे हैं उससे भी आप पैसे बनाएंगे तो इस तरह आपकी वेल्थ के अंदर इजाफा होगा राधा देन कि आप वो खाम माल बाहर से खरीदें और फिर उसमें वैल्यू एडिशन करें बेहतर है कि खाम माल आपके अपने मुल्क से पैदा हो उसके अंदर आप वैल्यू एडिशन करें और उसको आप बेचें कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट नहीं है माई ओपिनियन बड़ी सादा सी आर्ग्यूमेंट है फिर कहता है इंक्रीज शिपिंग ट्रेड इंपोर्ट थिंग्स टू री एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज कहता है अपना नेटवर्क आप बढ़ाएं और इसलिए भी किया करें कि ऐसी चीज़ें ख़रीदें जाके वर्ल्ड मार्केट में जो कि आपको पता है कि वहाँ पर सस्ती है और वहाँ पर महंगी है तो आपने एक चीज़ इंपोर्ट की यानी कि आपने उसको ख़रीदा डजेंट मीन कि फिजिकली हो सकता है वो इंग्लैंड आई हो या ना आई हो दैट्स इज मगर आपने उसको जा से ख़रीद लिया ठीक है और आपको पता है कि दूसरी जगह वो चीज़ जो है ना महंगी बिक रही है मार्केट में प्राइस उसकी हाई है तो एक जगह से आपने खरीदनी उसको ट्रांसपोर्ट करना दूसरी जगह जाके आपने उसको बेच डालना इस तरह आप खूब पैसे कमा सकते हैं तो इसी तरह देखो ना इंडिया ने क्या किया कि रशिया से तेल खरीदा और इंपोर्ट की और आगे उन्होंने वेस्ट को बेचना शुरू कर दिया रशिया से तेल उन्होंने 20-25 परसेंट सस्ता खरीद के आगे यूरोप को तेल बेचना शुरू कर दिया लोगों ने कंप्लेन भी किया कि एक तरफ तो आप ये क्या कर रहे हैं मगर देखो उन्होंने एग्जैक्टली इसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट किया जो चीज़ यहाँ से सस्ती मिली उसको सस्ता खरीदा और फिर वहाँ बेचती जहाँ पर वो महंगी थी और आप तो जानते हैं बिकॉज इट ऑफ कॉस्ट विद मी सो यू नो अच्छा सो so, ये भी एक और तरीका है पैसे कमाने का फिर कहते हैं ट्रेड विद फार अवे कंट्रीज टू तो गेट गुड्स चीपली सेल टू तो अदर कंट्रीज़ यानी कि अपना नेटवर्क बढ़ाओ जब आपको दूर जाना पड़ता है ना तो दूर जाना मुश्किल है तो जब आप दूर जाते हैं ईस्ट इंडीज़ चले जाएं आप जो इंडोनेशिया चले जाएं, इंडिया चले जाएं, वहाँ से जब आप चीज़ ख़रीदते हैं तो वहां से आपको बड़ी सस्ती मिल जाएगी और फिर आप पूरा रास्ता उसको लेके यूरोप लेकर आते हैं इटली को आप बेच लें आप फ्रांस को बेच लें आप स्पेन को बेच लें वो फिर बड़ी महंगी खरीद लेते हैं उन चीज़ें तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है जितना आप दूर से चीज़ ख़रीदेंगे उतनी आपको किसी ना किसी तरह से सस्ती मिल जाएगी और उतना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे यानी कि अपना नेटवर्क एक्सपेंड करें ट्रेड का नेटवर्क बड़ा होना चाहिए छोटा नहीं होना चाहिए सिर्फ एक कंट्री से नहीं आपने ट्रेड करना दो से नहीं करना सबसे करना है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री से ट्रेड करना फिर वो कहता है डोंट बी अफ्रेड टू एक्सपोर्ट मनी अब इसको वो ज़रा डिटेल में बताएगा मगर अभी वो सिर्फ इतनी बात करता है एक्सपोर्ट मनी से मतलब ये है कि गोल्ड अगर आपके मुल्क से बाहर जा रहा है ना तो घबराना नहीं परेशान नहीं होना जिसमें इमरान खान कहता है ठीक है वो अभी उसमें उसने कोई लंबी एक्सप्रेशन नहीं दी कहता है मैं बाद में आपको बताता हूँ इसकी क्या वजह फिर कहता है इम्पोर्ट रॉ मटीरियल्स एंड प्रोड्यूस इन टू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट जो रॉ मटीरियल्स तो आप बना सकते हैं वो तो आप बना लें और उसको उससे आप चीज़ बना लें मगर जो आप नहीं बना सकते तो वो इंपोर्ट कर लें वो इंपोर्ट करके उसको फिनिश करके फिर बेच दें ऐसे भी आप कर सकते हैं और पैसे बन जाएंगे मगर बेहतर ऑब्वियसली कि आप, आप रॉ मटेरियल्स अपने मुल्क यूज करें मगर अगर आपके पास नहीं है वो चीज तो ठीक है वो इंपोर्ट करके चीज बना लें फिर वो कहते हैं डू नॉट चार्ज हाई कस्टम ड्यूटीज एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो दोनों चीज पर वो कहता है कि ड्यूटियां कम रखो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ाओ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ाओगे तो चीज़ें ठीक होंगी ऑब्वियसली वो खुद भी डायरेक्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी का तो उसने तो यही कहना है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ाओ ठीक है ना क्योंकि वो उससे बेनिफिट भी कर रहा है तो वो कह रहा है कस्टम ड्यूटीज ना बढ़ाओ डिवेलप सेल्फ सफिशंसी एंड स्किल्ड लेबर तो कहता है कि अपनी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को डिवेल्प करो अपने मुल्क के अंदर स्किल्स uh, को डिवेलप करो कि दे लर्न हाउ टू मेक दोज थिंग्स बेटर सो दैट और ये यह लेबर बड़ा इंपॉर्टेंट है तो अपने मुल्क के अंदर स्किल लेबर को प्रिजर्व करो डेवलप करो इनको जाया नहीं करना ठीक है जी अच्छा तो जी कहता है द एक्सपोर्टेशन ऑफ आवर मनीज इन ट्रेड ऑफ मर्चेंडाइज इज अ मीन्स टू इंक्रीज आवर ट्रेजर ये इंक्रीज लिखा हुआ है जस्ट इन केस यू गॉट कंफ्यूज कि ई से क्यों लिखा है तो अगेन नाउ दिस इज द एक्सपोर्ट ऑफ मनी दैट इज टॉकिंग अबाउट कहते हैं व्हेन वी लूज मनी टू गेट इम्पोर्ट वी गेट इट बैक बाय एक्सपोर्टिंग दोज कमोडिटीज इन टर्न तो घबराना नहीं जब आपने पैसे लगाए हैं कहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी का तो काम ही ये था ना कि जब आप मैं गोल्ड लेके गया हूँ और मैंने गोल्ड से जो है कोई चीज़ ख़रीदी है वीट या जो भी फ्लैक्स या कॉटन या जो भी ख़रीदा है और ख़रीद के मैंने अपनी शिप्स पर लादा और मैं लेके आया हूँ तो लोग परेशान हो जाएंगे कि यार ये सारा इतना सारा गोल्ड तुमने जाके इंडिया में दे आए हो ये तुमने बड़ा गलत किया है वो कहता है परेशान नहीं होना क्योंकि जो चीज़ें मैं लेके आया हूँ वो मैं जब बेचूँगा तो उससे मैं कई गुना ज़्यादा मुनाफा भी कमा लूंगा और वो गोल्ड वापस आ जाएगा जो मैं लगा रहा हूँ वो वापस भी आ रहा है ट्रेड विद रिमोट कंट्रीज टू इंक्रीज सरप्लस एंड वाइडर नेटवर्क ऑफ ट्रेड आप बनाएं तो इससे और तेजी से ये काम हो सकता है तो द वैल्यू कम्स बैक इन गुड्स नॉट इन मनी सम पीपल से ठीक है आपके पास वैल्यू तो आ गई अगर मैं कहता हूँ मिसाल तौर तो पर कि मैंने लाख पाउंड की कोई चीज़ खरीदी तो मैंने कहा देखो यार वो चीज़ तो मेरे पास है ना मैंने लाख पाउंड उनको दे दिए मगर मेरे पास वो चीज़ है जो लाख पाउंड की वर्थ है सेम थिंग मगर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया नहीं वो मनी फॉर्म में हमें चाहिए थी ये तो अब मनी ऑर इन सच वे वी मस्ट एक्सपोर्ट अगेन विच एज इज ऑलरेडी प्लेनली शूड विच मीन शोड विल बी स्टिल्स टू इनक्रीज आवर ट्रेजर सो अगेन सेम थिंग इज It's not in money form right now, but value is the same. And when we sell this again, we will make more money back. And then we have to keep it into circulation. Goods turn into money, money turns into good. Goods, this circulation of money and goods must continue and must, in fact, increase. And we should not get parishan about the fact we don't have to hold on to money to actually increase our wealth. In fact, you have to throw it into circulation in order to increase your wealth. डिंग मनी बट बाय डिमांड ऑफ़ गुड्स इन अदर कंट्रीज दैट वी कैन इंक्रीज आवर वेल्थ वो चीजें जब आप बनाएंगे जिनकी डिमांड है दूसरे कंट्रीज के अंदर तो उससे आपकी वेल्थ बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी तो बगर अगर आप यू you नो know, रोके बैठे होंगे अपने पैसे को चीजें नहीं बनाएंगे तो उससे आपकी वेल्थ बढ़ेगी नहीं बल्कि उलट होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो पैसे भी जया हो जाएंगे और उससे कुछ निकलेगा ही नहीं सर्कुलेशन ब्रिंग्स वेल्थ टू मच मनी इन द इकोमी इनफैक्ट एनी वे रेजेज द प्राइस ऑफ कमोडिटीज अगर आप गोल्ड इकट्ठा कर लिया है और बहुत ज्यादा गोल्ड है आपकी कंट्री के अंदर तो क्या होगा प्राइसिस बढ़ जाएंगी उसका क्या फायदा है इट इज फार बेटर टू यूज दैट एक्स्ट्रा मनी इन फॉरन ट्रेड बेहतर है कि उसको इंटरनेशनल ट्रेड की सर्कुलेशन में भेज दो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी इफ यू जो इट्स इज सिटिंग इन योर सेफ समेयर और इन योर यू नो हाउस इट्स अ वेस्ट ऑफ दैट गोल्ड the current of merchandise which carries away their treasure becomes a flowing stream to fill them again in a greater measure with money so it's like a current it's a circular flow it's a circulation this may value you have to change karti from money form to commodity form and back to money form but it's it, it also at the same time accumulates kuch but see, dude, they trade, but trade देर ओनली यू नो वो तो हमें हम उनको चीज़ें हम उनसे चीज़ें खरीदते रहते हैं बट दे नेवर बाय एनी थिंग फ्राम अस तो ये तो बड़ी ज्यादाती है तो कहते हैं वी मेक मनी इवन फ्रॉम ट्रेड विद कंट्रीज दैट डू नॉट बाय फ्रॉम अस लाइक फॉर एग्जांपल द ईस्ट इंडीज ईस्ट इंडीज हमसे कुछ नहीं खरीदते हम उनसे चीज़ें खरीदते हैं मगर कह रहे हैं हम यहाँ भी पैसे बना रहे हैं कैसे वी बाय चीफ फ्राम दैन एंड सेल टू अदर कंट्रीज सो डोंट वरी अबाउट इट क्वेश्चन एक और पूछता है कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कहते हैं दीज कंट्रीज आर परमिट मनी टू बी कैरिड आउट हैव नथिंग टू ट्रेड हैं नॉट अ गुड एग्जाम्पल दे सके जो कंट्रीज अलाउ करते हैं ये कि भाई मनी जो है वो बाहर चला जाए बुलियन बाहर चला जाए गोल्ड बुलियन बाहर चला जाए उनके पास वैसे ही कोई तजारत करने के लिए नहीं है तो इसलिए इट्स नॉट गुड एग्जाम्पल कहता है अच्छा तुम खुद मान रहे हो कि हमारे पास तो बड़ा कुछ है जो हम बाहर लोगों को बेच सकते हैं क्योंकि अगर वो कंट्रीज हैं जो कि बाहर कुछ चीज़ नहीं बेच सकते और हम उनसे डिफरेंट हैं तो इसका मतलब हमारे पास कुछ है जो हम बाहर बेच सकते हैं तो कहते हैं इंग्लैंड डज हैव कमोडिटीज टू ट्रेड हैंस वी शुड नॉट डाउट दैट द मनी वी सेंड आउट विल कम बैक टू अस व्हेन पीपल आल्सो बाय आवर गुड्स इसलिए इस बारे में परेशान नहीं होना कि गोल्ड जो है वो बाहर फ्लो कर रहा है मुल्क से ट्रेड इज लाइक द फार्मर हु सीड्स इन द ग्राउंड ही इज नॉट ही इज नॉट वेस्टिंग दैम बट गेटिंग दैम बैक मैनी टाइम्स ओवर जब आप पैसा फेंकते हैं सर्कुलेशन में तो ये ऐसे ही जिस तरह के फार्मर बीज बोता है वो कई गुना ज्यादा फिर उसमें से रिटर्न आपको मिलता है वट अबाउट स्टैच्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें इंपोर्ट्स पे ड्यूटीज लगा दें टैरिफ्स लगा दें और फॉरनर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दें यू नो एंड सो ऑन तो उससे क्या होगा कहते हैं फिर रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स फॉरेनर्स विल रिस्ट्रिक्ट आवर एक्सपोर्ट्स वो भी मना कर देंगे वो अगर आप उन पर कतगन लगाएंगे कहेंगे कि जी आपके कमोडिटीज अलाउड नहीं है हमारी मार्केट के अंदर तो वो भी कहेंगे कि ठीक है जी आपकी कमोडिटीज भी अलाउड नहीं है हमारी मार्केट के अंदर तो इससे तो नुकसान होगा इंटरनेशनल ट्रेड कम होगा तो इज नॉट अ गुड आइडिया फिर कहता है इफ़ वी फोर्स फॉरनर्स टू बाय इन आर लोकल मार्केट्स इट विल हर्ट शिपिंग एंड वी विल नॉट मेक एज मच प्रॉफिट फ्रॉम दम अगर आप ये फोर्स करते हैं कि जी अगर आपने हमारी कोई चीज़ लेनी तो आप हमारे मुल्क आए अपनी किश्ती के साथ यहाँ से चीज़ खरीदें फिर वापस ले जाए कहता है इसका तो फ़ायदा नहीं एक तो हम शिपिंग की इनकम भी लूज कर रहे हैं और दूसरा ये कि अगर हम खुद उनकी कंट्री में लेके जाएं अपनी चीज़ तो हम ज़्यादा महंगी बेच सकते हैं जब वो हमारे पास आते हैं तो हमारे लोकल रेट्स पे खरीदते हैं जब हम उनके पास जाते हैं तो हम उनके रेट्स पे अपने अपनी मनमानी की प्राइस पे बेच सकते हैं तो इसलिए बेहतर है फिर कहता है रेगुलेशन ऑफ ट्रेड विल लोअर द वॉल्यूम एंड दिस विल प्रिवेंट इन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ इन ट्रेड दे विल बी सरप्लस एंड डेफिसिट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इन इंडिविजुअल केसेज बट ओवरऑल वेल्थ विल इंक्रीज़ तो एग्ज़ाम्पल देता है कहता है कुछ मुल्क ऐसे होंगे जिनको हम सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे कुछ मुल्क ऐसे होंगे जिनसे हम सिर्फ इम्पोर्ट करेंगे कुछ मुल्क ऐसे होंगे जिनको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे इम्पोर्ट भी करेंगे वगैरह वगैरह मगर ओवरऑल चीज़ जो है वो बैलेंस हो जाएगी और बैलेंस इस हवाले से होगी कि अगर हम ऐसी चीज़ें बनाएं जो दूसरे लोगों को डिमांड करें तो फिर हम बेचेंगे ज़्यादा और ख़रीदेंगे कम ओवरऑल और दैट्स फाइन किसी इंडिविजुअल मुल्क पे नहीं जाना कि जी उस मुल्क के साथ हमारी तजारत में खसारा हो रहा है डोंट वरी अबाउट दैट लुक एट दी ओवरऑल पिक्चर और ओवरऑल पिक्चर में आपने मुनाफा कमाना है हो सकता है एक मुल्क से आप खरीद रहे हैं एक मुल्क को आप बेच रहे हैं तो पैसे तो फिर भी आप बना रहे हैं क्योंकि इधर से आप सस्ता खरीद रहे हैं इधर से आप महंगा बेच रहे हैं तो पैसे, तो पैसे तो आप फिर भी बना रहे हैं तो इस पर नहीं परेशान होना कि वो तो हमसे खरीदता कोई नहीं है इस पर नहीं परेशान होना ओवरऑल पिक्चर को देखना बैलेंस ओके ठीक है सो वी विल गेट सरप्लस बाय ट्रेड एंड इंश्योरिंग एक्सपोर्ट मोर बेसिक बात यह है कि दूसरों की चीजें जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं मगर कंज्यूम नहीं करनी ठीक है वह इस मकसद के लिए इंपोर्ट करनी कि उसको भी आगे मजीद किसी को बेचना है ताकि उसमें से पैसा बने अनलस यू नीडेड और वह भी कि आप उसमें से कोई नई चीज बना रहे हैं फिर लास्टली वो कहता है इट विल नॉट इंक्रीज आर ट्रेजर टू इन द मर्चेंट दैट एक्सपोर्टेड फिश कॉर्न और म्यूनेशन दैट इज एम्यूनेशन टू रिटर्न ऑल और पार्ट ऑफ द वैल्यू इन मनी कि उसे हम ये कहें कि जी तुम सारे पैसे वापस कर दो या इसमें से एक हिसाब वापस कर दो कहते हैं ऑल द वेज एंड मीन विच इन कोर्स ऑफ ट्रेड फोर्स ट्रेजर इन टू द किंगडम अगर आप जबरदस्ती उसे कहें नहीं नहीं इतने पैसे दो इतना पैसा ये करो इतने पैसे वापस करो इतने पैसे यहाँ रखो वगैरह तो डू नॉट देयर फॉर मेक इट आवर्स For this can be done only by a lawful gain. So, if you force that koshikare, get gold, we wealth wealth, it will backfire. Okay, it is not lawful. So, and this gain is by, is no way to be accomplished बट बाई दी ओवर बैलेंस ऑफ आर ट्रेड एंड दिस ओवर बैलेंस इज मेड लेस बाई रिस्ट्रिक्शंस देर फॉर सच रिस्ट्रिक्शंस डू हिंड द इनक्रीज ऑफ आर ट्रेशर जितना आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना हमारे लिए ये जितनी आप ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना जो हम सरप्लस कमा रहे हैं हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ओवरऑल ट्रेड जो है वो वॉल्यूम कम हो जाएगा उसमें सरप्लस भी हमारा कम हो जाएगा तो जब हम सरप्लस कमा रहे हैं उसी से तो हम वेल्थ बना रहे हैं उस सरप्लस को कमाने के लिए हमें पैसे लगाने पड़ते हैं तो इस वजह से आप इसमें कोई रेगुलेशन और कोई स्ट्रिक्ट वो चीज़ें ना लगाएं लीव इट टू अस वी विल मेक लॉट्स ऑफ मनी लॉट वेरी सिंपल स्टफ कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है फिर वो ये पूछता है वेदर इट बी नेरी फॉर ग्रेट प्रिंसेज टू ले अपर ऑफ ट्रेजर इसका मतलब ये है कि जो प्रिंस है जो रियासत है क्या उस, उसको कितने पैसे इकट्ठे करने चाहिए पहले तो वो पूरी हिस्ट्री आपको सुना देता है कहता है कि इसका कोई खास फायदा नहीं है जिसने भी जिस भी प्रिंस ने बहुत ज़्यादा पैसे जमा किए उसने ज़ाया ही किए या उसने जंग जंग कर दी उसके साथ कहता है प्रिंस हु हैथ स्टोर ऑफ मैनी ऑफ मनी हेट्स पीस द स्पाइसिथ द फ्रेंडशिप ऑफ हिज नेबर्स एंड एलाइज एंटर्स नॉट ओनली इन टू अनसरी बट ऑल्सो इन टू डेंजरस वॉर्स टू द रूल एंड ओवर थ्रो समाइम्स ऑफ हिज ओन स्टेट्स यानी कि जब वो पैसे इकट्ठे करता है तो उसका मकसद यही होता है कि मैं इसे जंग करूँ और उस जंग से हमें कोई खास फायदा नहीं है बल्कि हमें करना ये चाहिए वी नीड टू बी प्रूडेंट एंड स्पेंड ऑन बिल्डिंग शिप्स एंड फोर्ट्स एंड ग्रेनरीज एंड म्यूनीशन एंड बाकी सारी चीज़ों पर आप खर्चा करें रियासत और तैयारी करें तैयारी किस चीज़ के लिए करे फॉर वॉट ही कॉल्स ए लॉन्ग डिफेंस इस चीज़ के लिए तैयारी ना करें कि हम बैरून मुल्क जाके जो है कब्जे कब्जे करेंगे और फिर फोर्स करेंगे और वहाँ से चीज़ें चोरी कर लेंगे बल्कि इस चीज़ के लिए ज़रूरत तैयार इतनी तैयारी जरूर कर लें करें कि आपके पास एक लॉन्ग डिफेंस के लिए चीज़ें ऑलरेडी तैयार हों इसका मतलब है कि स्टेट जो है वह बहुत ज़्यादा गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की कोशिश ना करें बल्कि जब उसके पास गोल्ड रिजर्व आए तो उससे वो कोई फोर्ट बना ले उससे वो कोई आ, यू नो कैटापोल्ट बना ले उससे वो उसको इन्वेस्ट करती रहे इन्वेस्ट करती रहे पैसे खर्च करती रहे ताकि चीज़ें बनाती रहे कहते देखिए ना जब जंग होगी तो जो रेडी चीज़ें हैं वो ज़्यादा यूजफुल होंगी या वो जो गोल्ड बड़ी हुई वो ज्यादा यूजफुल होगी वो पहले से ही आप तैयार बैठे होंगे क्योंकि आपने उस गोल्ड को खर्च करके तो चीज़ें बना ली हैं तो वो ज्यादा यूजफुल होंगी और गोल्ड आपको आता रहेगा थ्रू टैक्सेशन एंड सो सो ऑन टैक्से For which the purpose, the invention of parliaments, taxation ke liye, parliament kata hai, is an excellent policy of government to keep a sweet concord between a king and his subjects by restraining the insolency of the nobility and redressing the injuries of the commons without engaging a prince to adhere to either party, but indifferently to favor both. Yani ke do parties hai main khatam यानी कि दो पार्टीज हैं यहां पे एक तो बादशाह है ना बादशाह के नीचे दो पार्टीज हैं कौन सी पार्टीज हैं एक है नोबिलिटी और दूसरी है कॉमन पीपल ठीक है नोबिलिटी कहाँ पे होंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और कॉमन लोग कहाँ होंगे हाउस ऑफ कॉमन्स में तो ये जो पार्लियामेंट बना था ये उसकी जो असल वजह थी वो यही थी कि बेसिकली द किंग नीडेड टैक्स मनी सो पार्लियामेंट डिज डिड दिव नॉट स्टार्ट आउट एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन बट रादर इट स्टार्ट आउट एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ टैक्सेशन कि आप यहाँ बैठे और बताएं मुझे कितना टैक्स देंगे तो और इस तरह दोनों हाउस को बैलेंस करने का किंग के पास ये तरीका था कि एक हाउस ऑफ कॉमन्स होगा एक हाउस ऑफ लॉर्डस होगा उधर से भी मैं पैसे लूँगा इधर से भी मैं पैसे लूँगा और दोनों के मैं ऊपर बैठाऊंगा ठीक है रह? मतलब दोनों को मैं बैलेंस भी एक दूसरे के खिलाफ कर सकूँगा और ऐसे नहीं लगेगा कि मैं एक को फेवर करो या दूसरे को फेवर करो और इस तरह मोनार्की जो है स्ट्रांग रहेगी बल्कि वो लिखता है कि जो क्रेडिट का सारा सिलसिला है आप देखें इटली में कितना ज़बरदस्त उन्होंने क्रेडिट का सिलसिला बनाया इन दिस बुक कि वो ये करते हैं कि वो एक्चुअल मनी एक्सचेंज ही नहीं करते वो दे डू इट ऑल बाय बुक कीपिंग सो दे विल कीप अ रिकॉर्ड कि इसने मेरे इतने पैसे देने उसने मेरे उतने पैसे देने इसने इसके इतने पैसे देने उसने इसके इतने पैसे देने उसने इस मेरे इतने पैसे देने इतने 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 इतने। और इस तरह वो फिर जमा तफरी करके कहते हैं अच्छा अगर मैं इसको पैसे दे दूँ तो आप सबके बराबर हो जाएंगे ठीक है ना मतलब है कि वो एक्चुअल कहता है कि द इटालियंस हैव परफेक्टेड दिस सिस्टम वेयर बाय दे कीप रिकॉर्ड कि किसने किसके कितने पैसे देने एंड देन दे जस्ट यू नो डू अ लिटिल ऑन दैट और जो डिफरेंस होता है वो फिर एक दूसरे को वदा करके तो अपने डिफरेंसेस जो है सॉल्व कर लेते हैं कहते हैं ये सिस्टम बेस्ट सिस्टम है यही सिस्टम हमें अपनाना चाहिए सो दैट व्हाट इज़ दैट दैट इज ऑफ ऑफकोर्स वेरी यू नो अ मोर एडवांस सिस्टम ऑफ क्रेडिट इन सोन बिकॉज अगर मैंने आपको पे नहीं किया मगर लिख लिया कि आई ओ इट टू यू दैट मीन्स के वो क्रेडिट हो गए ना पैसे सो सो ही रॉक्स पार्ट है क्रेडिट कोर्स इज वन ऑफ द की थिंग्स इन इंटरनेशनल ट्रेड एट दिस पॉइंट क्योंकि अगर आपके पास क्रेडिट नहीं है तो आप इंटरनेशनल ट्रेड कर भी नहीं सकते थे और बाय इट वॉज द नीड फॉर सच क्रेडिट एंड मनी दैट क्रिएटेड वॉट वी कॉल द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इन ईस्ट इंडिया कंपनी इन पर्टिक्युलर विच वॉज वन ऑफ द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनीज उसका फायदा ये होता था कि अगर मैं अकेला हूँ मेरे पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ कैपिटल है अगर मैं 25, 30, 40, 50 लोगों को इकट्ठा करके सारा कैपिटल पूल कर लूँ तो कैपिटल बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब वो कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा हम पूल कर लेंगे जॉइंट स्टॉक होगा हमारा तो वो फिर हमें किसी मर्चेंट को कहेंगे कि ये लो तेरे पास पैसे जा जा के इंडिया से चीज़ें खरीद के लेके आ ठीक है वो लेके आएगा वो फिर हम बेचेंगे तो हम ज़्यादा पैसे कमा लेंगे सो द द नीड टू क्रिएट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इट्स सेल्फ इमर्ज आउट ऑफ द नेसेसिटी टू गेट लार्जर अमाउंट्स ऑफ क्रेडिट इन टू हैंड्स ऑफ द मर्चेंट सो दैट दे कुड bring back a larger profit. So that's how it, most of it developed. The development of credit becomes one of the key institutions for the development of trade. Or जब the merchants jo हैं, they go to usurers for credit, तो the whole the way in which that then transforms the institution of usury is also quite interesting because वो उनको ये कहते हैं कि जी हम आपसे पैसे लेंगे, मगर वो जो आप किसानों के साथ और landlords को जिस तरह आप पैसे देते हैं, वो वाला ऐसा नहीं है हमने आपके साथ करना। हमने आपके साथ हिसाब यह करना है कि आपने हमें पैसे देने इस वेंचर uh, के अंदर और इस वेंचर से जो प्रॉफिट है उसमें से हम आपको जो है पैसे देंगे तो जब यह ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि यूजर्स जो हैं दे बिकम काइंड ऑफ लाइक दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द मर्चेंट्स स्कीम्स फॉर फॉर क्रेडिट टू गेट बैक यू नो मनी इन एक्सचेंज फॉर दे मनी दैट इज़ वन वी दैट बिग ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स इन यूजरी दैट नाउ द The merchant is, a or the, the 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 imperatives of capital and trade are able to take a hold of usury and alter them in such a way so that they serve the needs of capital rather than vice versa. When this transformation occurs, usury itself undergoes a transformation from ancient u usury to now what we would call banking or finance capital. That transformation occurs through the development of capitalism and trade itself. Islamic finance is like this. के एक लड़का था उसका नाम था क्या नाम आपका शायान तो शायान को एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम था आई डोंट नो आयशा. ठीक है और अबू ने कहा कि आयशा से शादी नहीं करनी किसी और से शादी कर लो मगर आयशा से शादी नहीं करनी तो शायन ने कहा आयशा तुम ऐसा करो तुम अपना नाम रख लो जैनब उसने अपना नाम रख लिया जैनब तो फिर शायान ने जैनब से शादी कर ली और सब खुश हो गए तो ये एक किस्सा है इस्लामिक बैंकिंग का ठीक है कि वो नाम नूम चेंज करके उन्होंने उसको इस्लामी कर लिया मगर बाकी अदरवाइज द वे इन विच फाइनेंस कैपिटल टेक्निकली वर्क्स इज़ दैट इट इज़ मनी बिगेट्स मनी जैसे एरिस्टोटल ने उसको डिफाइन किया था मनी इज स्टिल बिगेटिंग मनी बट नाउ द The circuit of circulation in which that money is being put has been altered. It is now being put into this circuit of merchant capitalism. That is the main transformation, and from that then emerges the entire institution of modern banking with its new policies and interest rates and so on, uh, etc. And you know, uh, usury, ancient usury, becomes modern banking. Okay. Okay, ji, aage chalte so how much uh, treasure may a prince conveniently lay up a year so that a king who has desire to lay up much money must endeavor by all good means to maintain and increase his foreign trade because it is the sole way not only to lead him to his own ends but also to enrich his subjects to his further benefit for a prince is esteemed no less powerful by having many rich and well-affected subjects than by possessing much treasure in his coffers so if a prince wants to be rich if a king wants to be rich they should support गैस हो uh, the ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके वो डायरेक्टर हैं क्योंकि अगर हम भी अमीर होंगे तो आप भी अमीर होंगे हम taxes में भी ज़्यादा पैसे देंगे और हम अगर अमीर होंगे एज अ कंट्री तो कंट्री strong होगी और आपके पास भी ज़्यादा पैसे आएंगे तो अगर आप foreign ट्रेड को सपोर्ट करेंगे तो ये बड़ा अच्छा होगा मुल्क के लिए भी और आपके लिए आखिर में वो कहता है वेरी क्विकली हाउ टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ ट्रेड उसमें वो कहता है जी एक्सपोर्ट्स जो हम करते हैं उसमें आपको पच्चीस फीसद एड करना होगा क्योंकि वो उसमें शिपिंग कॉस्ट और रिस्क और ये वो हमें बड़े नुकसान होते हैं तो अगर हमने 100 डॉलर की एक्सपोर्ट किए तो उसको आप 125 सौ गिने फिर वो कहते हैं इम्पोर्ट्स जो है देखें जी उसमें आपको 25 फीसद तो कम करना होगा क्यों कम करना होगा क्योंकि देखें जी आप उसको यूके के गुड्स की वैल्यू नहीं दें इंडिया में हमने खरीदी हैं अगर वो चीज़ें तो वहां तो 25 फीसद कम है तो यहां पे आप 25 फीसद जो है ना कम करें इस तरह एक्सपोर्ट्स की वैल्यू 25 फीसद बढ़ा दी और इंपोर्ट्स की वैल्यू कम कर दी वॉट इज ई ट्राइंग टू डू बेसिकली इज ट्राइंग टू से कि बैलेंस ऑफ ट्रेड सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी वैसे बिल्कुल ठीक है फिक्र नहीं करना घबराना कर नहीं कहता है फिर ये करें आप कि लेट मर्चेंट्स एवेल्यूएट दर ओन कार्गो उनसे खुद ही कहेंगे वो खुद आपको बता दें क्योंकि वो बड़े ऑनेस्ट लोग होते हैं आपको पता है तो वो खुद ही आपको बता देंगे कि जी हाँ हम इतनी चीज़ें लेकर आए थे और उसकी वो वैल्यूएशन कर देंगे यार राइट वो क्यों ऑनस्टली बताएंगे वो अलहबाद और आखिर में वो कहता है वर्क इन लॉसिज एट सी एंड फॉरन वॉर्स और जेजवेट्स जो बाहर पे काम कर रहे हैं जो चर्च उनको पैसे भेजती रहती हैं जो आज के एन जी ओज बन गए हैं बारह द मनी स्पेंट ऑन स्पाइज एंड एम्बेसडर्स एंड टू गिफ्टॉनर्स तो ये भी अगर आप शामिल कर लें तो इन चार चीज़ों को रखते हुए आप बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालें तो फिर आपको पता चलेगा कि देखें हम तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं कोई मसला ही नहीं है So basically, you can see that this is a very strong argument, not only for international trade, but to support the East India Company itself and uh, uh, you know, the people who are both importing as well as exporting and making their money through international trade. Of course, the East India Company created what we would call the, uh, the colonial system of India. Or it was very brutally exploitative. Or its arguments were not for Britain. मगर जो पीपल एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस मर्केंटल ट्रेड जैसे अवैस ने भी कहा कि ये तो ट्रेड फिर ह्यूमन कार्गो में भी कर रहे थे और ओपियम में भी कर रहे थे और हर किस्म की चीज़ में कर रहे थे जहाँ से भी वो मुनाफा कमा सकते थे और जिन लोगों के साथ ट्रेड कर रहे थे उन लोगों के साथ इन्होंने क्या किया अगर आप वो जानना चाहते हैं तो ये किताब पढ़ लें दी एन आर की द ईस्ट इंडिया कंपनी कोऑपरेट वायलेंस एन द पिलेज ऑफ एम्पायर ये मैं किताब मैंने पढ़ी थी जब मैंने किताब पढ़ी थी मेरे हाथ यूँ कांपने शुरू हो गए थे तो क्योंकि वाकई वो कहानी पूरी सुनाता है कि मुग़लों का क्या कीमा निकाला ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे उनका कीमा निकाला जब आप पढ़ेंगे ना तो कस्म खुदा की वैसे तो मुग़ल बड़े you know, खौफनाक कस्म के जागीरदार टाइप किस्म के यू नो वटर रॉयल लगते हैं और ये वो सब कुछ मगर वहाँ पर आप उनको उन पर तरस आ जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके साथ जो किया इट वॉज़ रियली रियली You know, will leave you shaking in your boots. So, with that, the lecture for today ends. Any questions?